अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का पालनहार है। दरूद सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मां ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने इस कायनात को वजूद बख्शा। यकीनन चामराजपेट के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई और हमारे वकीलों ने जिस तरह से मुदल्लल बात रखी और अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने हमारे लिए कामयाबी अता फरमाई है, मैं इस पर खास तौर पर हमारे सियासी कायद अली जनाब अलहाज बीज़ेड ज़मीर अहमद खान साहब का और ऐसे ही सीनियर वकील कपिल सिब्बल साहब का और हमारे वकील अली जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब का और दूसरे उनके तमाम रफ़क़ाए कार का, तमाम मुसलमानों की जानिब से और इसी तरह सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से और बोर्ड की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हम तमाम में इत्तेहाद पैदा फरमाए, इतफाक पैदा फरमाए। मैं खास तौर पर नौजवानों से ये कहना चाहूंगा कि ये किसी की फतह या किसी की हार हरगिज ऐसा न समझें, बल्कि ये समझें कि अल्लाह हमारे लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर के फैसले फरमाए। इसलिए मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहूंगा कि यहां खुशी मनाने के लिए रास्तों पे उतर के पटाखे मारना या गैर जरूरी तौर पे जुलूस का निकालना या बाहर निकल के किसी भी तरह की चीजें करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप दो रकात शुक्राने के पढ़ें, अल्लाह का शुक्र बजा लाएं और इसी तरह हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहु की जानिब से और हमारे तमाम उलमा की जानिब से मैं आप तमाम का खास तौर पर मुहतमिमीन हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हसबुनल्लाह नीमल वकील नीमल मौला व नीमल नसीर का विर्द भी किया और इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन का जिक्र की मजलिस सजा के दुआओं का अहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल जलाल सबकी दुआओं को कबूल फरमाए।